हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पिनाकोल बेस्ड प्रॉब्लम्स। लास्ट वीडियो में हमने दो तीन प्रॉब्लम्स करी थी, इसी तरीके से हम उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज करेंगे, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट हैं। तो आप एक वन बाय वन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पिनाकोल टाइप ही है। पिनाकोल में हमने देखा था क्या होता है, हमारे पास दो OH ग्रुप होते हैं और साइड में अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो उसमें क्या होती है, कंडीशन एसिड गिवन होता है, तो उसमें हमें प्रोडक्ट बताना होता है। जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, तो हमने जब एसिड डाला तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, इस तरीके से पिनाकोलोन बन गया। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका मैकेनिज्म हुआ। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, जिसने भी रिएक्शन इसका मैकेनिज्म देखा होगा वो इजीली सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं इसका फिर भी एक मैकेनिज्म देख लेते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से बना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि जो OH है अपने, ये क्या करता है, एसिड का H प्लस है, एसिड का H प्लस क्या करेगा, इसके लोन पेयर है। और हमने देखा था फर्स्ट स्टेप क्या था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। हमें वहीं से लोन पेयर का मतलब कि OH को एक्टिवेट कराना है जहां पर हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मेरे पास ये दो ऑप्शन है, एक वन है एक टू है पोजीशन। दोनों में से मुझे कहीं पर भी करा सकती हूँ, लेकिन मैं कहाँ पर कराऊंगी, जहां पर कराते हैं जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन ज्यादा बनता है। तो अगर हम देखें, तो अगर मान लो यहां से, क्योंकि हमने देखा था कि फिनाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है बजाय की अल्काइल वाले की, तो अगर हम यहाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका एक्टिवेशन कराएंगे ना कि यहाँ पर। ओके, तो हमने इसका, जैसे ये लोन पेयर है, यहाँ पर इसको अटैक कर देगा H प्लस पर और इसको इस तरीके से एक्टिवेट कर देगा। OH टू प्लस लग गया है और हमारे पास दो फिनाइल है, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ से क्या होगा, फिर अब ये ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, यानी कि अगर ये निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये जब जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के जाता है ऑक्सीजन, तो जब इलेक्ट्रॉन्स लेकर के जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसके कार्बन इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला गया, वाटर लेके चला गया, ऑक्सीजन लेके चला गया, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम देखते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज में हम क्या करते थे, सेकंड हाउस में माइग्रेशन कराते थे एडजेसेंट पोजीशन पर जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, अल्काइल ग्रुप्स तो है नहीं हम, लेकिन हमारे पास रिंग है, रिंग के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये जैसे अगर हम देखें, ये क्या है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी क्या करता है, माइग्रेट कर देता है। और माइग्रेट क्यों करता है, इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो बेसिकली क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। जैसे 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग हमें पता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं रिंग स्ट्रेन होता है, तो रिंग स्ट्रेन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती। लेकिन अगर हम 6 मेंबर्ड की तरफ जाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। 5 मेंबर से 6 मेंबर्ड क्या होती है, हमारी ज्यादा स्टेबल रिंग होती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का, वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन और एक्सपेंशन ऑफ द रिंग। ओके, तो 5 मेंबर से हमारा क्या हो जाएगा, 6 मेंबर बन जाएगा। तो बेसिकली क्या होता था, सेकंड स्टेप में ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता था, ये इस तरीके से इसको, ताकि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर जो नया बॉन्ड बन रहा है वो हमारा किस किस के बीच में बन रहा है, इस कार्बन के और ये इस कार्बन के, इन दोनों के बीच में बेसिकली नया बॉन्ड बन रहा है। तो मैंने इसको रेड लाइन से शो कर दिया है ताकि आपको विजिबल हो सके क्लियरली कि नया बॉन्ड कौन सा बना। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो H2SO4 है वहां पर क्या है, जैसे कि कोई भी एसिड है उसका जो काउंटर पार्ट होगा, जैसे HSO4- बना होगा H+ देने के बाद, तो ये HSO4- फिर से क्या करता है, इस H+ को निकाल लेता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो ये बेसिकली एक मिनट यहाँ पर देखे तो ये 6 मेंबर रिंग बन रही है। वन, अगर हम नंबरिंग दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 मेंबर रिंग बन रही है। और सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, OH ग्रुप है, तो मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया है ताकि, क्योंकि हमें इस तरीके से दिखा, वहां पर हमें नहीं समझ में आ रहा 6 मेंबर, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारा ज्यादा सही लग रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, फिर HSO4- क्या करेगा, इसका प्रोटोन ले जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर कीटोन फॉर्म बन जाएगी। ओके गाइस, तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है, तो इसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, विटिग रिएक्शन।
विटिग रिएक्शन सभी ने पढ़ी होगी, बीएससी और एमएससी दोनों में आती है। तो अगर हम देखें तो ये क्या होती है बेसिकली, इसका मैं वैसे दिखा देती हूँ कि क्या होती है विटिग रिएक्शन। हमारे इसमें क्या होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जनरली एल्डिहाइड और कीटोन, क्या करते हैं ये हमारा एक इलाइड हमने पढ़े थे, इलाइड में फॉस्फोरस इलाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं इसके साथ कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करके बेसिकली एल्कीन फॉर्म करते हैं। तो हमें बस इतना याद रखना है कि विटिग रिएक्शन क्या होती है, जनरली इसमें क्या होता है कार्बोनिल जो फास्फोरस इलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं एल्कीन बना देते हैं। तो ये कई बार क्या होता है 2 और 3 स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म दिया होता है, तो हमें हालांकि क्वेश्चन बहुत इजीली होता है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें 1-2 स्टेप और पता हो। तो ये हमें पता चल गया यहाँ से, ये विटिग रिएक्शन है और उसके बाद जो दिया हुआ है जैसे कि यहाँ, हाँ तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसमें भी हमारा क्या स्टेप दिया हुआ है, एक विटिग स्टेप ही दिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ये कार्बोनिल है और इसमें हमारा क्या है ये इलाइड है, फास्फोरस इलाइड है, तो ये क्या करेगा इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिए, इसने हमें इस स्टेप का पता होना चाहिए बेसिकली। इस पार्ट को छोड़ो अगर हम देखें तो ये कार्बोनिल और ये विटिग है, तो सिंपल क्या हो जाएगा विटिग रिएक्शन हो जाएगी इलाइड के साथ और हमारा क्या बन जाएगा एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, हमें क्या गिवन है OSO4, इसको हम बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इसका काम क्या होता है, ये रिएजेंट है, इसको हम पढ़ेंगे, ये क्या करता है सिंडाइओल का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि बेसिकली 2 अल्कोहल्स को इंट्रोड्यूस कराता है, कहां पर एल्कीन में। तो ये क्या करेगा जैसे यहां पर OH है यहां पर OH, दोनों में सिन एडिशन हो जाएगा, सेम साइड में एल्कोहल लगते हैं तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा दोनों OH ग्रुप लग जाएंगे। ओके तो हमारा क्या होगा एल्कीन से क्या बनता है OSO4 के प्रेजेंस में डाइओल का फॉर्मेशन होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको, जैसे कि ये एल्कीन है मेरे पास C डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से है और मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया OSO4, तो इस रिएजेंट का काम क्या होता है अभी इतना याद रख लो कि CH2 और OH लग जाते हैं दो आकर के दोनों सेम साइड से। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो अपसाइड लगेंगे दोनों, तो अपसाइड ही लगेंगे, अगर एक अपसाइड है तो ऐसे नहीं हो सकता डाउन साइड लग रहे, तो ये रॉन्ग है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम पूरा पढ़ेंगे, इस रिएजेंट को अभी इतना ध्यान रखो कि डाइओल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया सिंडाइओल फॉर्मेशन हो गया, इस तरीके से 2 OH लग गए। तो अगर इस OH की हम कंडीशन देखें तो ये टर्शियरी है और ये वाला हमारा प्राइमरी OH है। ओके अब इसने बोला है कि इधर से हमें इधर जाना है तो हमें क्या ऐड करना है, या इस रिएजेंट भी पूछ सकते हैं या फिर हमारा क्या प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमें यहाँ से अभी हम देख सकते हैं कि जब डाइओल हो और क्या हो सकता है अगर हम एसिड ऐड कर दे और क्या बनता है हमारा पिनाकोलोन यानी कि कीटोन बन जाता है। ठीक है अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कैसे मैकेनिज्म हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ तक हमने देख लिया, हाँ यहाँ तक हमने देख लिया था कि हमारा डाइओल फॉर्मेशन हो गया था। अब हम देखते हैं कि इससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे बना। तो इसमें हमें ये स्टेप याद रखना होगा TSCL, ये क्या होता है टॉर्साइल क्लोराइड होता है। तो इसमें क्या होता है टॉर्साइलेशन होता है बेसिकली, ये क्या करता है ये TSCL ये OH के साथ TSCL जब हम रिएक्ट कराते हैं तो बेसिकली OTS फॉर्मेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं टॉसाइलेशन। इसका बेसिकली OTS का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है टॉसाइल क्लोराइड का TSCL का वो इस तरीके से होता है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और एक सल्फोनिल ग्रुप होता है S डबल बॉन्ड O और CL, इस तरीके से हमारा ये TSCL का स्ट्रक्चर है। जब अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली क्या होता है HCl निकल जाता है, -HCl हम कर देते हैं यहाँ पर और ये क्या होता है हमारा ये इस तरीके से पूरा रिएजेंट बन जाता है, जिसको अगर हम देखें तो ये R है, R के साथ बेसिकली अल्काइल ग्रुप के साथ OTS फॉर्मेशन हो गया। तो अगर हम देखें तो ये बहुत बल्की है, बहुत बल्की रिएजेंट है, तो ये बल्की होने की वजह से जो इसका ऑर्डर होता है मतलब रिएक्टिव ऑर्डर जो होगा वो प्राइमरी पे फास्ट अटैक करेगा, प्राइमरी अल्कोहल पे, ये हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल पे, फिर सेकेंडरी अल्कोहल पे, देन टर्शियरी अल्कोहल पे। इसको हमें याद रखना है कि टॉसाइलेशन का जो ऑर्डर होता है ड्यू टू बल्कीनेस की वजह से वो लेस हिंडर्ड पे अटैक करना पसंद करता है, यानी प्राइमरी पे पहले करेगा, देन सेकेंडरी पे, देन टर्शियरी पे। ओके तो हमें ये ऑर्डर याद रखना है कि इस तरीके से होता है। अब हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये हमने देखा कि ये टर्शियरी है और ये प्राइमरी OH है।
तो ये हमारा कहाँ अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड पे यानी प्राइमरी ओएच पे फास्ट करता है। तो बेसिकली क्या होगा, ओएच से हमारा क्या हो जाएगा, ओटीएस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस हमने यहाँ ओटीएस दिखा दिया और ये क्या होता है बाद में, इससे हमें अब यहाँ पर जाना है। तो इस ये क्या बन रहा है हमारा, पिनाकोलोन बन रहा है। अब ये क्या है बेसिकली, एक टाइप की कैसी रिएक्शन ही है हमारी, पिनाकोलोन रिएक्शन ही है। अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से होती। तो अब हम देखते हैं कि हमारा इतना यहाँ तक हो गया था, ओटीएस फॉर्मेशन हो गया था। अब हम देखते हैं कि जब हमने जब पिनाकोलोन रिएक्शन कर रहे थे तो वहां पर बेसिकली हमारा ओटीएस की जगह क्या आ रहा था, OH2+ आ रहा था। बेसिकली वो भी क्या था, एक लिविंग ग्रुप ही है। और ओटीएस भी सबको पता होगा कि गुड लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। ओके, तो हम देखें जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जैसे रिंग एक्सपेंशन हो रहा था तो यहाँ भी रिंग एक्सपेंशन होगा। बेसिकली ये अपने इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर देते हैं। ओटीएस है, इसका बॉन्डिंग यहाँ पर है तो इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ होगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और ये ओटीएस निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगा, वो मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है। तो बेसिक अंडरस्टूड है कि रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, बेसिकली इसमें और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 मेंबर रिंग बन रही है हमारी, 7 मेंबर रिंग और क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से हमारा इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, रिंग में दिया हुआ है, मतलब इसमें भी हमें क्या करना है, एक तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था ओटीएस का फॉर्मेशन, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है कि ये क्या है, 6 मेंबर रिंग दी हुई है। बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, डिकालेंस बोलते हैं। जब 6 मेंबर रिंग इस तरीके से फ्यूज होती है, 6 फॉर्म में या ट्रांस फॉर्म में, तो हम देखते हैं जब दो 6 मेंबर रिंग फ्यूज होती है, या तो सिस फॉर्म में हो सकती है, यानी कि दोनों सेम साइड जो ग्रुप्स लगे हैं वो सेम साइड भी हो सकते हैं या फिर अपोजिट साइड भी हो सकते हैं। तो ऐसी रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, या तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस डिकालिन और इसको हम बोलते हैं सिस डिकालिन। तो इसको हम क्या करते हैं, चेयर फॉर्म में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ज्योमेट्री का यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट मैटर करती है यहाँ पर। तो हम इसको क्या करते, इसको जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि ये OH ग्रुप अपसाइड है, ये डाउनसाइड है, तो यानी कि कैसा डिकालिन हो गया हमारा, ट्रांस डिकालिन हो गया। तो हमारा ये दिया हुआ है TSCl की प्रेजेंस में हमारा ये प्रोडक्ट बना। फिर इस प्रोडक्ट से इसमें हम ये देख रहे हैं बेसिकली किस तरीके से रिएक्शन हुई है, तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं इन द चेयर फॉर्म। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने इसको इस तरीके से बना लिया, यानी अगर हम देखें तो मैं इसको यहाँ पर इसका वो बना देती हूँ कि जैसे हमारा ये दिया हुआ था OH, देखो दो रिंग है, दो रिंग इस तरीके ट्रांस डिकालिन की जो चेयर फॉर्म होती है, जो आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे तो वो इस तरीके से दोनों जुड़ी होती है, ट्रांस वाले में। सिस वाले में अलग तरीके से जुड़ी होती है, लेकिन ट्रांस फ्यूजन में इस तरीके से जुड़ी होती है दोनों रिंग। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, OH है और यहाँ पर क्या है, H है, यानी कि दोनों जब रिंग जुड़ी है इस पॉइंट पे, ये OH ऊपर की साइड है। अब इस सॉलिड लाइन का मतलब क्या है, अपसाइड है, यानी ऊपर की साइड है, और यहाँ पर हमारा डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है कि डाउन साइड है। तो और इसी के जब हमने क्वेश्चन देखा था उसमें अगर हम देखें तो इस तरीके से, यानी कि इसके एडजेसेंट पोजीशन पर OH भी हमारा क्या है, अपसाइड ही है। तो हम रिंग में भी कहाँ लगाएंगे, अपसाइड ही लगाएंगे, और ये हमारी कैसी पोजीशन हो गई, इक्विटोरियल साइड हो गया। जब सबने स्टीरियो पढ़ी होगी तो उसमें आप देखते होंगे कि किस तरीके से हमारा बनता है चेयर फॉर्म। तो ये बेसिकली कन्वर्जन मैंने दिखाया है कि मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रिंग फॉर्म में, मतलब कि चेयर फॉर्म में, जो कि ज्यादा स्टेबल होती है। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं TSCl-Py, यानी कि इसकी प्रेजेंस में। और हमने देखा था ये कैसा है हमारे पास, सेकेंडरी है, और जबकि ये कैसा है हमारा, टर्शरी है। तो हमें पता है कि लेस हिंडर्ड पे अटैक करता है, यानी बेसिकली कहाँ पर करेगा, ये सेकेंडरी वाले पे करेगा। तो सेकेंडरी पे क्या बन जाएगा हमारा, ओटीएस का फॉर्मेशन हो जाएगा और OH इस तरीके से रहेगा। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, ओटीएस का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या है हमारा, एक बल्कि बेस है। सबको पता है बेस कैसा होता है, मतलब कि ये कैसा है,
बेस का काम करेगा यहाँ पर, और इसका काम क्या है, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से जो इस OH का जो प्रोटोन है ये बेसिक एसिडिक प्रोटोन है, तो यहाँ से बेस क्या करेगा, इस प्रोटोन को निकाल लेगा और O- का फॉर्मेशन कर देगा, और यहीं से हमारी क्या रिएक्शन, एक तरीके की फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हो आप, या फिर उसी टाइप की रिएक्शन है, पिनाकोल टाइप की रिएक्शन। हम देखेंगे आगे, इसको अलग से नाम दिया जाता है, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन भी हम इनको बोलते हैं। तो हमारा इस तरीके से बन गया। हम देखते हैं कि ये O- और इसमें किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ से ये अपने लोन पेयर यहाँ को यहाँ पर देता है, और हमने देखा था लिविंग ग्रुप और जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो दोनों क्या होने चाहिए, हमारे एंटी होने चाहिए। तो ये दोनों क्या है, ये अल्काइल ग्रुप, इसके जो एंटी होगा वही माइग्रेट करेगा। ओके, तो ये वाला हमारा इसके एंटी है, तो ये वाला क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ से ये निकल जाता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये वाला एंटी वाला माइग्रेट कर जाएगा और OTS यहाँ से निकल जाएगा। तो बेसिकली नया बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये रिंग हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई और ये रिंग हमारी क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। ये रिंग एक्सपेंड हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो हमारी यहाँ से 5 मेंबर्ड बन गई है, लेकिन जबकि ये 6 मेंबर्ड थी, 7 मेंबर्ड बन गई है, और हमें ग्रुप्स का यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इसको हम किस तरीके से बना देंगे, अपने एक्चुअल प्रोडक्ट में बना देंगे, यानी ये 7 मेंबर रिंग है और ये 5th में, और हाइड्रोजन डाउन साइड है, तो हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। ओके गाइस, प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।